ये उस वक्त की बात है जिस ज़माने में मासूम मोबाइल फ़ोन को एक जानवर तंग किया गया उसका नाम था This video is brought to you by priceo.pk जहां पर आप मशहूर ऑनलाइन स्टोर की प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं और सबसे सस्ती कीमत में मोबाइल फोन को हासिल कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार और इस वीडियो के थ्रू अनबॉक्स करने जा रहे हैं Samsung Galaxy S3 को ओके सॉरी A3 को Samsung Galaxy A3 2017 वेरिएंट है जो मोबाइल फोन हम आज अनबॉक्स करने जा रहे हैं अब इस मोबाइल फ़ोन का बॉक्स टिपिकली जैसा आपको सैमसंग का बॉक्स मिलता है उसी तरह का लगता है ग्रीन टेक की वारंटी के साथ आता है ये मोबाइल फ़ोन और आज मैं बॉक्स के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा और जल्दी से इस मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं

फिंग प्रिंट सेंसर मौजूद है ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है 16 है इंटरनल स्टोरेज और यह मोबाइल फोन एस एमोल स्क्रीन के साथ आता है जिसका मतलब यह है कि इस मोबाइल फोन की स्क्रीन क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है अब बॉक्स को जल्दी से ओपन करते हैं और सबसे पहली चीज़ जो कि आपको नजर आती है वो आपका मोबाइल फ़ोन ही है गैलेक्सी थ्री जिसको मैं स्टार्ट में एस कह रहा था पता नहीं क्यों और देखने में मोबाइल फोन काफ़ी खूबसूरत है लेकिन हम इसके ऊपर बाद में आएंगे उसके बाद आपको कुछ टिपिकल पेपर वर्क देखने को मिलता है सिम सिमजेक्ट टूल है तो काफी टिपिकल स्टफ है और मैं यही स्टफ एक्सपेक्ट कर रहा था उसके अलावा आपको मिल जाती है एक ओ के लिए डोंगल अब इस डोंगल को यूज़ करते हुए आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ यू एस टाइप सी को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म की जो यू एस बी हैं वो लगा सकेंगे लेकिन आपको इसके लिए भी एक नॉर्मल माइक्रो यू एस जो ओ केबल है वो यूज़ करनी पड़ेगी इसको हम इसके फुल रिव्यू में चेकआउट करेंगे कि किस तरह वर्क करती है उसके अलावा आपको यू एस टाइप सी की केबल देखने को मिल जाती है और उसके अलावा आपको मिल जाती है एक टिपिकल हैंड फ्री अब इस मोबाइल फ़ोन के साथ जो आपको चार्जर देखने को मिलता है उसकी एमपेयर रेटिंग है 1.55 पॉइंट मिली एमपेयर जिसका मतलब यह है कि आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट तो प्रोवाइड नहीं करेगा लेकिन फिर भी आपके मोबाइल फ़ोन को नॉर्मल मोबाइल फ़ोन के नस्बत काफ़ी हद तक तेज़ी से चार्ज कर देगा मतलब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड और यहां पर मैंने इस मोबाइल फ़ोन को ऑलमोस्ट गिरा दिया था लेकिन फिर भी ये मोबाइल फ़ोन बच गया और आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी स्क्रैचेस नहीं आए तो सब ठीक है खैर बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की तो इस मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और अच्छी बात यह है कि इस मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी हद तक वैसा ही है जिस तरह आपको S7 का डिज़ाइन देखने को मिलता है बैक कैमरा जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्लश है उसके अलावा एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस किया वो ये है कि अगर इस मोबाइल फ़ोन के बैक के ऊपर वही हार्डवेयर सेंसर इंक्लूड कर दिया जाए जो कि आपको एस के ऊपर देखने को मिलता है तो बहुत कम डिफरेंस रह जाता है S7 और इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस जो कि आपको नज़र आएगा वो इसकी दूसरी साइड के ऊपर है क्योंकि इसके पावर बटन के ऊपर आपको स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और इसके अलावा कुछ खास डिफरेंस नहीं है इसके और S7 के डिज़ाइन के अंदर और हमेशा ऐसा ही हो रहा होता है कि जो गैलेक्सी ए सीरीज़ होती है वो एस सीरीज़ से ही डिज़ाइन को कॉपी कर रही होती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है मैं कहूँगा वहीं इस मोबाइल फ़ोन का जो सेटअप का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा है इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि आज से पहले आ, मैंने जितने भी मोबाइल फोन रिव्यू किए उनमें सबसे लंबा सेटअप इसी का था और इसके सेटअप के दौरान मुझे एक पल के लिए तो ये भी लग रहा था कि शायद मैं कोई ज़मीन बाय कर बैठा हूँ दो किनल ज़मीन जहां पर मुझसे इतने ज़्यादा पेपर साइन करवाए जा रहे हैं लेकिन जैसे ही आप इस मोबाइल फ़ोन को सेटअप कर लेंगे तो पहली चीज़ जो कि आप रियलाइज़ करेंगे वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन क्वालिटी है वो दूसरे मोबाइल फ़ोन की नस्बत और उन मोबाइल फ़ोन की नस्बत जो कि ख़ास तौर पर आपको इस प्राइस रेंज में मिलते हैं बहुत बेहतर है इसके मुझे इस मोबाइल फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो थोड़ा बुरा लग रहा है तो इस मोबाइल फोन का जो मुकम्मल डिटेल रिव्यू है वो तो मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर कर रहा हूँगा जो कि इस चैनल के ऊपर मैं पोस्ट कर दूंगा उसके अलावा इसका कैमरा रिव्यू इसका गेमिंग रिव्यू भी मैं जल्दी आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियोज़ के तौर पर लेकर आ रहा हूँगा तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वो वीडियोज अपलोड हो आपको उनका नोटिफिकेशन आ जाए सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा और वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो के लिए हम एम कर रहे हैं थ्री लाइक्स को और मुझे उम्मीद है कि हम इजीली इस लाइक के जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं इसके अलावा कोई बात हो सजेशन कमेंट्स हो तो एज यूजुअल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस वीडियो में इतना ही दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ